पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस टिप्पणी को विवादित और अभद्र करार देते हुए महिलाओं के सम्मान की बात की और विदिशा भाजपा जिला मुख्यालय पर 2 घंटे का मौन धरना प्रदर्शन करने के बाद नीमताल पर ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। हमारे जिलाध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा के द्वारा कमलनाथ के खिलाफ जो उन्होंने इमरती देवी मंत्री जी के ऊपर आइटम कहकर संबोधित किया, बाकी वो क्रोध निंदनीय है। इसके बाद हमें प्रदेश अनुसार बुलाया गया कि इस धरना प्रदर्शन के आरंभ के पश्चात समस्त मंडलों में कमलनाथ का प्रचार किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भी इमरती देवी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कमलनाथ की फोटो पर कालिक पोतते हुए मौन धारण कर प्रदर्शन किया। शिवाजी चौक पर करीब 1 घंटे चले मौन धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की तस्वीर पर कालिक पोत कर आक्रोश जताया। कांग्रेस द्वारा लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करके महिलाओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले दिग्विजय सिंह या आप कमलनाथ, दोनों ने महिलाओं का अपमान करा है और उनकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कौरव के वंशज हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में आज मैदान में है। पहले दिग्विजय सिंह ने एक महिला को 100 टंच का माल कहा, उसके बाद आज कमलनाथ ने इमरती देवी को जलेबी और आइटम कहकर संबोधित किया। ऐसी अभद्र भाषा महिलाओं के लिए प्रयोग करना शोभनीय नहीं है, इसलिए आज कमलनाथ के मुंह पर यहाँ कालिक पोत कर और मौन धरना, जो कि पूरे प्रदेश में 10 बजे से 12 बजे तक था, ये देकर हमने विरोध प्रदर्शन करा है। मांगे हमारी ये थी, मांगे हमारी कुछ नहीं थी, जो कल इनने जो गलत महिलाओं के खिलाफ जो गलत इनने आवाज़ निकाल उठाई है, जो पार्टी के खिलाफ जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, जैसे कि उस जीतू पटवारी है, दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ जी है, महिलाओं के प्रति गलत, कांग्रेस में महिला भी है, बीजेपी में महिला है, क्या ये इनके घर में इनने खुद ने भी अपने मिसेज को चुनाव लड़ाया था तो क्या इनके बारे में भी किसी ने सोचा था ऐसा? और हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, और आज ये महिलाओं के बारे में जो सोच रहे हैं, जो गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये तो 9 रातें चल रहे हैं। एक महिला एक लक्ष्मी के रूप में होती है, घर में पूरी माँ दुर्गा के मानते हैं, आदि शक्ति रहती है, उसके उपरांत में भी ये इनके मुंह से ऐसी शब्द जो निकल रहे हैं, अभी इन्हें आगे कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया, अभी तो हमने काली साई पोती है, आगे हम और भी इससे बड़ा उपयोग करेंगे, महिला अपमानित सम्मान नहीं सहेंगे। वहीं उमरिया कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया, साथ ही महिलाओं के सम्मान की बात रखते हुए कमलनाथ की अशोभनीय टिप्पणी पर नाराजगी दर्ज कराई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है, नारियों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने डबरा उपचुनाव में हमारे शिवराज कैबिनेट मंत्री बहन इमरती देवी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसकी तीक्ष्ण भर्त्सना करता है। मित्रों, आपके माध्यम से मैं यह बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा कमलनाथ जी के बयान से उजागर होता है। इससे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया द्वारा भी इसी प्रकार की टीका टिप्पणी की गई थी, और अगर आप देखेंगे तो दिग्गी राजा हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, वो भी नारियों के खिलाफ इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी की करते रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी से कि आप भी नारी हैं और नारी जाति का अपमान आप कितना बर्दाश्त करती हैं, यह तो तब समझ में आएगा। और ऐसी स्थिति में आपको तो कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से अलग कर देना चाहिए, और निश्चित ही नारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ हमारा कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम उमरिया जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मातृशक्ति एकजुट होकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से आम जनता को बताना चाहते हैं।
कि जैसा कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हमारी हिंदू संस्कृति में हम मातृशक्ति की पूजा आराधना करते हैं, वहीं कांग्रेस जो है और कांग्रेस के नेता नारी शक्ति का अपमान करते हैं। यह इमरती देवी का नहीं बल्कि समूची नारी शक्ति का अपमान है जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने लगभग 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में नारे लगाते हुए कहा कि कमलनाथ शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। आज 10 बजे से 12 बजे तक मौन धरना और इसके बाद हम सबों ने अभी कमलनाथ का पुतला दहन यहाँ किया। कल की सभा में इस प्रदेश का पूर्व मुखिया जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री इमरती देवी के ऊपर आइटम जैसे शब्दों का उपयोग करके जिस अभद्र भाषा का परिचय उन्होंने दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नवरात्रि के समय में यह पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश की जनता माँ दुर्गा शक्ति के रूप में उस नारी को देखती है। आज उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग करके जिस तरह से नारी का सम्मान किया है, आज उसके विरोध में हम सबों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके यह एक संदेश प्रदेश को भेजा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कोई भी मुखिया इस तरह से महिलाओं का असम्मानजनक टिप्पणी न करे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह राहुल बिंद के जो नेता हैं उनके द्वारा वर्तमान सांसद दीति पाठक के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्या कहना चाहेंगे इससे कांग्रेसियों की विचारधारा को? यह बताने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेसियों की पुरानी संस्कृति रही है और इस कांग्रेसी संस्कृति को इस मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। आज उसका परिणाम था कि 15 महीने में अपनी बनी हुई सरकार को रोक नहीं पाए और उनके जो जो मंत्री थे वो अपने आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे करके हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वह दिन दूर नहीं अगर इस तरह से कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ऐसे अभद्र टिप्पणी का उपयोग होता रहेगा तो इस प्रदेश की जनता उसको बहुत ही जल्द सबक सिखाने जा रही है, आने वाले समय में और भी सबक देखने को मिले। कांग्रेस ने अपने आप को साबित कर दिया आज, अनुसूचित जाति वर्ग को जिस मातृशक्ति जो हिंदू धर्म में आज नवरात्र है, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, ऐसे समय में ऐसे महिला को आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करना, कमलनाथ ने कपटनाथ ने स्वयं दिखा दिया अपने आप को, दिवालिया घोषित कर दिया है, वो इतना घबरा गए हैं। चुनाव तो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इस तरह आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग, हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता हम लोग मौन धारना एक साबित दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम लोग पूरे हिंदुत्व का एक वो है। और हम लोग जिस तरह कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे महिला नेत्री होने के नाते आज भी उनके मन में एक शब्द हिंदुत्व का भाव नहीं है, वो क्या जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कामों को। यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं, एक महिला की बात है, एक नारी सम्मान की बात है। आपने देखा ही होगा कल कमलनाथ ने जिस तरह डबरा वाले कार्यक्रम में उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे कमलनाथ को। और उनका पुतला दहन करने का आज कार्यक्रम हम लोग पूरे समस्त सिंगरौली जिले के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव, बैतूल से शशांक सोनकपुरिया, उमरिया से प्रवीण तिवारी और सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।